हेलो, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का सुपरनोवा क्लासेस में। और हम पढ़ रहे हैं पॉलिटिकल साइंस। ठीक है जी, 4 लेक्चर्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। लास्ट टाइम हम लोगों ने प्रेसिडेंट पढ़ा था, वहाँ से हम आगे आज पढ़ेंगे। तो फटाफट से आप लोग ज्वाइन कर लेंगे, और जो जो ज्वाइन करता जा रहा है क्लास, आपके लिए जो है वो क्वेश्चन सामने लिखे हैं, आपने इसके आंसर्स करते रहना है फटाफट से। ठीक है जी, तो हमें पता चल जाएगा आपको कितना कितना समझ आ रहा है। अमन जी गुड इवनिंग। हाँ जी गुड इवनिंग। चलिए जी, आंसर्स आपके आने चाहिए जल्दी जल्दी। साहिल जी गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। हाँ जी, 5 क्वेश्चंस आपके लिखे हैं यहाँ पे, तो आपने जो है वो साथ में एक ही मैसेज में आप चाहे तो 5 आंसर दे दीजिए। ठीक है, सारे आंसर्स आपने एक साथ ही देने हैं। ठीक है जी, रोल नंबर 16 भी आ चुके हैं। हाँ जी गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। चलिए जी, प्रेसिडेंट हम पढ़ रहे हैं, और प्रेसिडेंट के लिए आपने फटाफट से आंसर्स करने हैं। कितना आपको याद रहा? ठीक है, सही आंसर है। हाँ जी ओके, ठीक है। क्वेश्चन समझ गए ना? प्रेसिडेंट के लिए मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए? शपथ कौन दिलाता है प्रेसिडेंट को? प्रेसिडेंट को जो रिमूवल का नोटिस है, ठीक है, रिमूव करने से पहले कितने दिनों का नोटिस इश्यू किया जाता है, किसके पास वो रिजाइन करते हैं, और राष्ट्रपति के लिए जो भी इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेगा उसको मिनिमम कितने वोट्स लेके आने हैं ताकि उनकी सिक्योरिटी जब्त ना हो, उनको उनके पैसे वापस मिल जाए। सही है जी आंसर, बिल्कुल ओके। ठीक है जी, बिल्कुल सही आंसर है। हाँ जी, सभी के आंसर आने चाहिए, बिल्कुल सही है। चलिए, तो इसके आंसर्स हम लोग डिस्कस कर लेते हैं अभी। तो जिन्हें अगर कोई क्वेश्चन गलत होगा तो आपने ध्यान रखना है, यहाँ पे मिनिमम एज आपने राष्ट्रपति के लिए पढ़ी है 35 साल। तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और गवर्नर, ठीक है जी, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, गवर्नर, तीनों के लिए ही मिनिमम एज 35 हमारे पास है। शपथ कौन दिलाएंगे? हाँ जी, तो शपथ जो है वो कौन दिलाएंगे? शपथ दिलाते हैं, हाँ जी, गुरु जी दिलाएंगे, CGI, बिल्कुल जी, CGI जो है वो शपथ दिलाएंगे। रिमूवल 14 दिनों का नोटिस इशू किया जाता है पहले इनको, रिजाइन करेंगे छोटे भाई के पास, वाइस प्रेसिडेंट, और मिनिमम 1/6 वोट से लेके आएंगे, तब इनकी सिक्योरिटी इनको वापस मिल जाती है। ओके चलिए, तो आगे हम बढ़ते हैं। यहाँ से जितना हम लोगों ने कल पढ़ा था उतना हम लोगों ने रिवाइज कर लिया, और हम लोग शुरू करेंगे प्रेसिडेंट का, जो प्रेसिडेंट की जो पावर्स हैं, जहां से आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। तो पावर्स में सबसे पहले आप लिखेंगे कि जो राष्ट्रपति है, रिपीट, हम लोगों ने कल जो पढ़ा था, ठीक है जी, कल जो पढ़ा था वही वाले क्वेश्चंस हमने ये डिस्कस किए हैं। 5 क्वेश्चंस आपको दिए थे ना, मिनिमम एज 35 साल होनी चाहिए, ठीक है जी, और उनको जो है वो 1/6 वोट्स लेके आने पड़ेंगे राष्ट्रपति को, मतलब जो भी इलेक्शन पार्टिसिपेट करे कैंडिडेट, ताकि उनकी सिक्योरिटी उनको वापस मिल जाए, है ना, क्योंकि 6 के 6 लोग जो हैं वो राष्ट्रपति नहीं बन सकते हैं। तो आपने याद रखनी ये चीज, ठीक है। चलिए जी, तो आगे हम बढ़ेंगे, ठीक है, और उसमें पहले जो पॉइंट आपको लिखना है, पहला पॉइंट आप ये लिखेगा कि राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने लोगों को नॉमिनेट कर सकते हैं। हाँ जी, राष्ट्रपति जो है राज्यसभा में कितने लोगों को नॉमिनेट करते हैं? 10 लोगों को, 12, 15, 18 आंसर आएगा आपके पास। राष्ट्रपति जो है वो 12 लोगों को नॉमिनेट करते हैं, ठीक है जी, राष्ट्रपति 12 लोगों को नॉमिनेट करते हैं राज्यसभा में। और ये जो 12 लोग हैं, 4 स्ट्रीम से हो सकते हैं, 4 फील्ड से ये होंगे, वो आपने ध्यान रखना है। वो आपके पास जो है वो आर्ट्स, साइंस, लिटरेचर या फिर सोशल सर्विस, ठीक है जी, सोशल सर्विस, ये हमारे पास वो 4 सेक्शन हैं जहां से आपको देखने के लिए मिलेंगे कि जो ये लोग हैं, जो आपको 12 लोग देखने के लिए मिलेंगे, इन्हें किस सेक्टर से जो है वो नॉमिनेट किया जाता है, कि कहां से आ गए ये राष्ट्रपति जिन्होंने
राष्ट्रपति ने जिनको नॉमिनेट किया, तो या तो आर्ट से, साइंस से, लिटरेचर से, ठीक है जी, और ये आपके पास सोशल सर्विस से, यहाँ से आपको ये देखने के लिए मिलेंगे। तो आपने इनको जो है वो यहाँ पे ध्यान रखना है। इसके अलावा लोकसभा में कितने लोगों को नॉमिनेट करेंगे राष्ट्रपति? हाँ जी, लोकसभा में राष्ट्रपति कितने लोगों को नॉमिनेट करेंगे? तो आप बुक्स में पढ़ते हो कि भाई दो एंग्लो इंडियन, ठीक है, वहां पे लिखा होता है दो एंग्लो इंडियन को जो है वो नॉमिनेट किया जाता है। तो ऐसा पहले हुआ करता था, ठीक है जी, अभी ये वाला प्रोविजन खत्म हो चुका है, तो आपने ध्यान रखना है, अभी ये प्रोविजन खत्म हो चुका है। दो एंग्लो इंडियंस को राष्ट्रपति जो है वो नॉमिनेट करते थे, ठीक है जी, थे, तो राष्ट्रपति अब लोकसभा में दो एंग्लो इंडियंस को नॉमिनेट नहीं करते हैं, ठीक है जी। तो ये चीज हमारी कैंसिल हो गई अभी, और सिर्फ आपने यही चीज ध्यान रखनी है कि राज्यसभा में जो है वो नॉमिनेट किया जाता है 12 लोगों को, ठीक है, 12 लोगों को नॉमिनेट करेंगे बस। तो ये चीज आप ध्यान देंगे, हाँ जी, यहाँ पे कोई नॉमिनेशन नहीं होगी। उससे अगला पॉइंट आपसे पूछते हैं कि लोकसभा को कौन भंग कर सकता है? लोकसभा को कौन भंग कर सकता है, ठीक है जी, मतलब लोकसभा को डिसॉल्व कौन कर सकता है? तो लोकसभा को डिसॉल्व करने की जो पावर है, लोकसभा को डिसॉल्व करने की जो पावर है वो राष्ट्रपति के पास है। आप, मैं आपको वन लाइनर से बता रही हूँ, ठीक है, इस तरह से हम इसको पढ़ लेंगे। तो लोकसभा को भंग कौन कर सकता है? राष्ट्रपति कर सकता है। हाँ जी, लोकसभा का जो समय काल है वो 5 साल का होता है, ठीक है, लोकसभा का जो समय काल है 5 सालों के लिए लोकसभा चुनी जाती है। तो 5 साल से पहले ही 3 साल में, 4 साल में या 2 साल में जो है वो उनको नॉमिनेट, उनको जो है वो भंग किया सकता है, लोकसभा को खत्म कर सकते हैं, मतलब बोले कि चलो दोबारा इलेक्शन कंडक्ट करो आप, ठीक है जी, किसके बोलने पे? पीएम के बोलने पे, ठीक है जी। तो प्राइम मिनिस्टर के बोलने पे जो है राष्ट्रपति जी भंग कर सकते हैं लोकसभा को। जैसे अभी हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो कौन है? मोदी जी हैं प्राइम मिनिस्टर, ठीक है जी। अभी मोदी जी के अगेंस्ट जो हैं लोकसभा वाले खिचड़ी बनाना शुरू कर दें कि हम तो मोदी जी को हटा देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, जो भी चीजें हैं, तो फिर राष्ट्रपति एंग्लो इंडियन मीन्स, एंग्लो इंडियंस मैं बताती हूँ अभी आपको, है ना। तो फिर मोदी जी क्या करेंगे? मोदी जी जाएंगे द्रौपदी मुर्मू के पास, क्योंकि हमारी वो राष्ट्रपति हैं, और द्रौपदी मुर्मू को बोलेंगे लोकसभा को भंग करो, ठीक है, दोबारा इलेक्शन कंडक्ट करेंगे हम। तो ये इसका मतलब हुआ। आपसे पूछेंगे कि लोकसभा को कौन भंग कर सकता है, तो कौन भंग कर सकता है? राष्ट्रपति भंग करेंगे, राष्ट्रपति, प्राइम मिनिस्टर, ऐसे 4 आपके पास ऑप्शन आएंगे, ठीक है जी। किसके बोलने पे भंग कर सकते हैं? तो प्राइम मिनिस्टर के बोलने पे भंग कर सकते हैं। हाँ जी, क्लियर हुआ आपको? आपने पूछा एंग्लो इंडियंस कौन होते हैं, तो एंग्लो इंडियन वो है जिनकी, मान लीजिए कोई भी व्यक्ति जिनकी जो मदर है वो इंडिया से हो, ठीक है जी, और जिनके जो फादर हैं वो कोई ब्रिटिशर है, वो कोई ब्रिटिशर है, अंग्रेज है, तो इनका जो बच्चा होगा वो एंग्लो इंडियन कहलाएगा, ठीक है, वो एंग्लो इंडियन कहलाएगा। मम्मी इंडिया से हैं, ठीक है, पापा जो है वो आपको ब्रिटेन से देखने के लिए मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे अंग्रेजों का शासन था ना, तो ब्रिटिशर्स जब यहाँ पे थे तो उन्होंने यहाँ पे शादी कर ली, मान लीजिए कोई किनके दादाजी जो है वो ब्रिटिशर थे, तो उनके जो आगे बच्चे हैं वो एंग्लो इंडियंस कहलाते हैं, ठीक है, तो ये आपने ध्यान रखना। चलिए, एक ये वाला पॉइंट आपके पास हो गया। आगे हमारे पास है सत्र, सेशंस कौन बुलाता है? 3 सत्र हम पढ़ेंगे, ठीक है जी। सत्र का मतलब हुआ सेशन, जैसे बजट सेशन नहीं होता है, जैसे बजट सेशन होता है जब बजट बनता है, तो ये सेशंस कौन स्टार्ट करता है, कौन बुलाता है कि आ जाओ भाई, आ जाओ सेशन स्टार्ट करो आप, ठीक है जी। तो सत्र कौन बुलाता है, ठीक है जी, तो इसका आंसर आएगा प्रेसिडेंट। हाँ जी, प्रेसिडेंट आपने याद रखना है। आपको ऑप्शन में आया कि लोकसभा का अध्यक्ष हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन राष्ट्रपति हो जाएगा, सीजीआई ऑप्शन आपके पास है, तो आपने जो है वो ध्यान रखना है। अंजू जी मोस्ट वेलकम, ठीक है जी, मोस्ट वेलकम, आप बस आप पढ़िए यहाँ से, कोई भी डाउट हो तो आपने पूछ लेना है फिर, ठीक है। चलिए, तो सेशंस जो है वो कौन इन्वाइट करेंगे, सेशंस कौन बुलाते हैं? राष्ट्रपति जी जो है वो सेशंस बुलाते हैं, आपने इस बात को याद रखना है, ठीक है। राष्ट्रपति बोलेंगे आ जाओ सब लोग, आओ फटाफट से बजट सेशन शुरू करो, फिर बजट सत्र जो है वो शुरू हो जाता है, ठीक है जी। उसके बाद राष्ट्रपति का कोई लेना देना वहां पर नहीं है, बस बजट ये मतलब सेशन ये शुरू करेंगे। उससे अगला पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है, आपसे पूछते हैं ज्वाइंट सिटिंग कौन बुलाता है? हाँ जी, ज्वाइंट सिटिंग जो है वो कौन बुलाएगा? ज्वाइंट सिटिंग, ज्वाइंट सिटिंग का मतलब होता है
आपके पास संयुक्त बैठक, ठीक है जी, संयुक्त बैठक होता है ना, मान लीजिए आपके पास दो लोग हैं, ठीक है जी, ये उधर को घुमाए लड़ाई लड़के, दूसरा बंदा इधर घुमाए, तो कोई सुन नहीं रहा है, तो कंक्लूजन फिर कैसा निकलेगा? लोकसभा वाले बोल रहे हैं कि हम ओके करते हैं, राज्यसभा वाले बोले कि हम नहीं ओके कर रहे भाई। अब जब दो लोग यहाँ पे एग्री नहीं कर रहे तो फिर कैसे काम चलेगा? तो फिर क्या होता है, बोलते हैं कि चलो दोनों पार्टीज आओ यहाँ बैठो, फिर हम बात करेंगे। तो इसको ज्वाइंट सेटिंग बोलेंगे, लोकसभा राज्यसभा दोनों को बुलाया जाता है वहां पे, जब भी किसी मुद्दे के ऊपर बहस होती है, कोई कंक्लूजन नहीं निकला है उस केस में, ठीक है? तो ज्वाइंट सेटिंग कौन बुलाएगा, ये क्वेश्चन आता है आपके पास, ज्वाइंट सेटिंग कौन बुलाता है? राष्ट्रपति ज्वाइंट सेटिंग बुलाएंगे, ठीक है जी। संयुक्त बैठक कौन बुलाते हैं? राष्ट्रपति बुलाएंगे। संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करेंगे, ठीक है जी, संयुक्त बैठक। ज्वाइंट सेटिंग की अध्यक्षता कौन करते हैं? तो ज्वाइंट सेटिंग की जो अध्यक्षता करेगा वो करेगा स्पीकर। स्पीकर याद रखेंगे आप, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रिपीट पे आपको क्वेश्चन मिलेगा, रिपीट पे, ठीक है, दो क्वेश्चन आएंगे ये। तो ज्वाइंट सेटिंग की अध्यक्षता कौन करेगा? स्पीकर करता है। स्पीकर कौन होता है, इनके बारे में हम पढ़ेंगे, जो लोकसभा का अध्यक्ष हुआ वो स्पीकर कहलाता है, ठीक है, लोकसभा का जो अध्यक्ष है वो स्पीकर होगा। तो जो स्पीकर है, स्पीकर लोकसभा की अध्यक्षता करते हैं, ओके। तो ये आपने ध्यान रखना है। इसके अलावा आपको यहाँ पे क्या चीज ध्यान रखनी है कि मान लीजिए स्पीकर है ही नहीं, स्पीकर छुट्टी पे गए हैं, तो उस टाइम पे लोकसभा की अध्यक्षता कौन करेंगे? स्पीकर का छोटा भाई करेगा, डिप्टी स्पीकर बोलेंगे आप, ठीक है जी। तो उस टाइम पे अध्यक्षता करते हैं डेप्यूटी स्पीकर, डेप्टी स्पीकर, हाँ जी, डिप्टी स्पीकर जो है फिर ये अध्यक्षता करेंगे लोकसभा की, अगर स्पीकर नहीं है तो। मान लीजिए डिप्टी स्पीकर भी नहीं है तो फिर अध्यक्षता कौन करेगा? तो फिर अध्यक्षता करते हैं डिप्टी चेयरमैन या फिर वाइस चेयरमैन लिखेंगे आप, वाइस चेयरमैन, हाँ जी, बस यहां तक आपने याद रखना है। चार क्वेश्चन आपके पास हुए ये। ज्वाइंट सिटिंग बुलाएगा कौन? राष्ट्रपति बुलाएंगे। अध्यक्षता कौन करेंगे? स्पीकर, ये नहीं है डिप्टी स्पीकर, ये भी नहीं है वाइस चेयरमैन, उसकी अध्यक्षता करते हैं। तो ये हुई आपके पास ज्वाइंट सेटिंग, ज्वाइंट सेटिंग के बारे में आपने याद रखना, ठीक है जी। तो ज्वाइंट सेटिंग को आप ध्यान देंगे। चलिए यहां से आगे हम पढ़ेंगे, आगे अगला पॉइंट आपके पास आएगा कि जो भी डिस्क्वालिफिकेशन का मैटर होगा, ठीक है जी। डिस्क्वालिफिकेशन का मतलब क्या हुआ? मान लीजिए आपके पास एमपी है, ठीक है, एमपी मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मतलब कि आपके पास राज्यसभा और लोकसभा के मेंबर, राज्यसभा और लोकसभा के मेंबर, ठीक है, वही एमपी कहलाते हैं। तो जो आपके एमपी हैं, अगर इनको डिसक्वालीफाई करना है, इनको डिसक्वालीफाई करना है, डिसक्वालीफाई समझ के ना कि इन्होंने इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया था और इन्होंने जो है वो गलत तरीके से इलेक्शन लड़े, चाहे वो कोई भी हो, फ्रॉड इन्होंने कर दिया, तो फिर इनको तो निकाल दिया जाएगा, डिस्क्वालीफाई किया जाएगा। तो किसी भी एमपी को डिस्क्वालीफाई करना है नहीं करना है, इस पे फाइनल डिसीजन किसका होता है? राष्ट्रपति का होगा। आपने ये चीज ध्यान रखनी है, ठीक है जी। मान लीजिए मैं हूं एमपी, ठीक है, मैंने इलेक्शन लड़ा, और जब मैंने इलेक्शन लड़ा तो फिर मैंने फॉर्म फिल किया था ना, तो उस फॉर्म में लिखा होता है कि आपकी जो प्रॉपर्टी है वो कितनी है, आपको मेंशन करना पड़ता है हर एक चीज वहां पे। तो मैंने वो झूठ मूठ में हर कुछ लिख दिया वहां पे कि मेरे पास तो प्रॉपर्टी नहीं है जी, मैं तो बहुत ही ऐसे हूं कि रहने के लिए बस एक ही कमरा है, कुछ भी चीज आपने लिख दी, झूठ मूठ के अकाउंट्स आपने वहां पे डाल दिए अपने, है ना। तो फिर बाद में पता चला इलेक्शन लड़ने के बाद कि आपके पास तो बहुत पैसा है, तो फिर आपने जो है वो गलत इन्फॉर्मेशन दी ना, आपको डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो डिस्क्वालिफिकेशन पे फाइनल डिसीजन किसका होता है? ये होता है राष्ट्रपति का, कि आपको रिमूव किया जाए या आपको रिमूव ना किया जाए, ओके। तो ये आपने ध्यान रखना है। लेकिन आपको यहाँ पे एक एक्सेप्शन देखने के लिए मिलेगी, और वो एक अलग चीज क्या है, वो अलग चीज ये है कि अगर आपको डिस्क्वालिफाई किया जा रहा है, आपको रिमूव, आपको हटाया जा रहा है एंटी डिफेक्शन का चार्ज लगा के। एंटी डिफेक्शन, एंटी डिफेक्शन का मतलब हुआ दल बदल, आपके ऊपर जो आरोप लगे हैं वो दल बदल के आरोप हैं, ठीक है जी, कि भाई इन्होंने तो दल बदला अपना, इनको डिस्क्वालीफाई करो। तो अगर आपको डिस्क्वालीफाई किया जा रहा है दल बदल के आरोप में,
तो फिर आपको रिमूव करना है या नहीं करना है, इस केस में फाइनल डिसीजन जो है वो स्पीकर का होता है। ठीक है जी, इस केस में फाइनल डिसीजन होगा स्पीकर का। हाँ जी, समझ पाए आप? ये बात आप बताइए, एंटी डिफेक्शन किस शेड्यूल में आपने पढ़ा? एंटी डिफेक्शन दल बदल हम पढ़ चुके हैं, दल बदल को हमने किस शेड्यूल में पढ़ा है? सेवेंथ शेड्यूल, टेंथ, इलेवेंथ, ट्वेल्थ। जयवंती जी, गुड इवनिंग। ठीक है, आपका आंसर सही है, दो ही आंसर आए। यस, फटाफट से आंसर करेंगे आप। ठीक है जी, थैंक यू। चलिए तो आगे हम बढ़ेंगे, सभी का आंसर सही है। ठीक है, तो दल बदल हमने जो है वो पढ़ा है कहाँ पे? आपका टेंथ शेड्यूल, बिल्कुल सही है, टेंथ। ओके, सभी का आंसर सही है। हाँ जी, टेंथ शेड्यूल में आपने पढ़ा है। चलिए आगे हम बढ़ेंगे अब। तो अगर दल बदल के चार्ज में आपको रिमूव किया जा रहा है, तो फाइनल डिसीजन किसका होगा? फिर स्पीकर का होगा अगर आप लोकसभा के मेंबर हैं, और अगर आप राज्यसभा के मेंबर हैं तो फिर चेयरमैन का होगा। ठीक है, चेयरमैन का होगा। आप इसको लिख लीजिए, क्योंकि जब हम लोकसभा राज्यसभा पढ़ेंगे फिर आपको क्लियर होगा कि भाई चेयरमैन और स्पीकर में डिफरेंस क्या है, कौन कौन ये होते हैं, है ना? तो यहाँ पे स्पीकर और चेयरमैन, इनका जो है वो फाइनल डिसीजन होता है। तो ये डिस्क्वालिफिकेशन वाला पॉइंट भी जो है आपने यहाँ पे याद रखना है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं, अगला पॉइंट आपके पास आएगा ऑर्डिनेंस का। हाँ जी, ऑर्डिनेंस का मतलब होता है अध्यादेश। दो ही लोग हैं जो ऑर्डिनेंस को इशू करेंगे, ऑर्डिनेंस। ऑर्डिनेंस को कहा जाता है अध्यादेश। ठीक है, आप लिखिएगा अध्यादेश। तो ऑर्डिनेंस कौन इशू करता है? प्रेसिडेंट। किस आर्टिकल के द्वारा ऑर्डिनेंस इशू किया जाता है? आर्टिकल 1, 2, 3, आर्टिकल 1, 2, 3। आर्टिकल 1, 2, 3 के तहत जो है वो अध्यादेश जारी किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। या तो गवर्नर ऑर्डिनेंस को इशू कर सकते हैं, या फिर प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस को इशू कर सकते हैं। आपने ये चीज ध्यान रखनी है। ठीक है, तो फिर जो प्रेसिडेंट हैं वो ऑर्डिनेंस को इशू करते हैं। ऑर्डिनेंस क्या होता है? बहुत सिंपल शब्दों में आप इसका मतलब समझिएगा, अध्यादेश का। कोई भी कानून कैसे बनेगा? ठीक है जी, कानून कैसे बनेगा, एक बहुत सिंपल प्रोसीजर उसका हम देखते हैं। हमारे पास लोकसभा है और राज्यसभा है। ठीक है जी, सुने हैं आपने ये नाम ना? कोई भी मान लीजिए, ये देखिए इस तरह से, ये कोई एक बिल आया आपके पास ना, इस पे हमने लिखी चीजें ऐसे ऐसे को, दो चार चीजें लिख दी हमने, बोला कि जी ये बिल है हमारा, इसको पेश किया जाएगा लोकसभा में, है ना? आप मान लीजिए लोकसभा है, आपके पास ये बिल आया, आपने बोला कि बहुत ही बढ़िया है, ठीक है ठीक है, इसको पास करो पास करो। आपने इसको पास कर दिया, फिर जाएगा ये राज्यसभा वालों के पास, राज्यसभा वाले पढ़ेंगे, बोलेंगे ओके, अपने लिए भी ओके है। तो दोनों हाउसेस ने तो ओके कर दिया, राज्यसभा ने बोला कि ठीक है अपने लिए भी ठीक है, लागू करो इसको, और जो लोकसभा वाले उन्होंने बोल दिया कि ओके है। फिर दोनों हाउसेस से पास होने के बाद ही बिल जाता है प्रेसिडेंट के पास, राष्ट्रपति जी के पास। राष्ट्रपति जी देखते हैं कि अच्छा भाई क्या बिल बनाया है, फिर राष्ट्रपति जी इसके ऊपर करेंगे साइन। ठीक है जी, राष्ट्रपति जी के इसके ऊपर सिग्नेचर होंगे, फिर जाके जो ये बिल है वो एक्ट बन जाएगा। बिल क्या बन जाता है हमारे पास? कानून। तो राष्ट्रपति जी के सिग्नेचर होने चाहिए, ठीक है, राष्ट्रपति जी के सिग्नेचर होने चाहिए, फिर वो कानून बन जाएगा, फिर उसको देश में लागू कर देंगे। ये बहुत सिंपल तरीका मैंने आपको बताया। अलग अलग तरह के बिल्स होते हैं, ठीक है, हम अभी उन बिल्स की तरफ नहीं जाएंगे, एक सिंपल तरीके से आपने इसको समझ लिया। तो अध्यादेश का मतलब क्या हुआ आपके पास? कि कोई हमने कानून देश में लागू करना है, अभी इमिजिएटली देश में लागू करना है। तो कानून तो इस प्रोसेस के थ्रू बनता है, लोकसभा वालों से पूछना पड़ता है, राज्यसभा से पूछना पड़ता है, जब ये दोनों प्रूफ करेंगे फिर वो राष्ट्रपति के पास जाएगा, है ना? अब ये कोई एक दिन का काम तो है नहीं कि सारे लोकसभा वाले एक ही दिन में ओके कर जाएंगे, राज्यसभा वाले एक दिन में मान जाएंगे। इसके लिए तो बहुत टाइम होता है, मीटिंग्स चलती हैं, 1 महीना 2 महीना कितना भी टाइम चल सकता है इस केस में। तो क्या होगा, मान लीजिए अभी लड़ाई हो जाए चाइना और भारत की, है ना? चाइना वालों ने मान लीजिए हम लोगों के ऊपर अटैक कर दिया, और कुछ इमिजिएट कानून अभी देश में लागू करना हो,
तो क्या हम इनको बुलाएंगे राज्यसभा वालों को कि आ जाओ भाई आ जाओ अभी कानून इसको पास करो आप, है ना, लोकसभा वालों को बुलाएंगे आ जाओ पास करो, इतना तो टाइम है नहीं। तो इस सिचुएशन में, बहुत इमरजेंसी की सिचुएशन में, जब देश में कोई कानून लागू करना होता है तो उसको ऑर्डिनेंस के थ्रू लागू किया जाता है, ठीक है जी। राष्ट्रपति जी बोल देते हैं कि भाई देश में इस कानून को मैंने लागू कर दिया है, और उसके बाद वो देश में लागू हो जाता है, क्योंकि ये टेम्पररी कानून है, कभी ना कभी तो सिचुएशंस नॉर्मल होंगी होंगी, ठीक है जी। 6 महीने तक बेसिकली ऑर्डिनेंस जो है वो 6 months तक चलता है, आपको ध्यान रखना है, ऑर्डिनेंस जो है वो 6 महीने तक चलता है, उसके बाद फिर हमारे पास लोकसभा राज्यसभा से ये पास हो जाता है, ठीक है जी। अगर उसने इन्होंने पास किया तो लागू हो जाएगा, नहीं पास किया तो खत्म हो जाएगा वहां पे। तो जो टेम्पररी कानून है, जो एक इमरजेंसी के सिचुएशन में राष्ट्रपति ने लागू किया, उसे ऑर्डिनेंस कहा जाता है, उसे अध्यादेश कहा जाएगा। तो बहुत सिंपल से आप उसको लिख सकते हैं, टेम्पररी कानून, ठीक है, अस्थायी या टेम्पररी लॉ लिख सकते हैं इसको, टेम्पररी एक्ट, टेम्पररी एक्ट, खुद को समझने के लिए, ताकि आपको आगे भी याद रहे। ऑर्डिनेंस ऐसा कुछ भारी भरकम शब्द ये समझ नहीं आएगा, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है जी। तो उसके बाद जब आपकी दोबारा से लोकसभा बैठी, फिर उनके पास 6 हफ्तों का टाइम है, उनके पास 6 हफ्तों का टाइम है, और 6 हफ्तों के अंदर अंदर उसको वो पास करेंगे या उसको फेल करेंगे। पास करेंगे तो देश में लागू हो जाएगा, पास नहीं किया तो वहीं पे ही वो चीज खत्म हो जाती है, रद्द हो जाती है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि जो अध्यादेश है, अध्यादेश का मैक्सिमम पीरियड कितना होता है, कोई अध्यादेश कितना मैक्स टू मैक्स चल सकता है, 6 months plus 6 weeks, ठीक है जी, 6 months plus 6 weeks आपको उसका आंसर याद रखना है, 6 महीने plus 6 हफ्ते, ओके। तो ये अध्यादेश हुआ, सेम टू सेम इसी तरह से जो गवर्नर हैं, गवर्नर भी ऑर्डिनेंस इशू कर सकते हैं, तो राष्ट्रपति भी ऑर्डिनेंस इशू करते हैं, और आपके पास जो आपको ये मिलेंगे, गवर्नर मिलेंगे, वो भी ऑर्डिनेंस इशू कर सकते हैं। टाइम पीरियड जो है वो 6 महीने 6 हफ्ते ही इसका रहता है, इसमें आपने कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। तो ये हुआ आपके पास जी ऑर्डिनेंस, ओके। हाँ जी, ऑर्डिनेंस से हम आगे बढ़ेंगे, और अब हम पढ़ेंगे राष्ट्रपति की विटो पावर को, ठीक है, राष्ट्रपति की विटो पावर। विटो पावर का मतलब क्या हुआ, हमने पढ़ा अभी कि लोकसभा राज्यसभा से बिल पास होगा, उसके बाद वो राष्ट्रपति के पास आएगा, ठीक है, तो राष्ट्रपति उसके ऊपर साइन करेंगे। अब क्या राष्ट्रपति को ये कंपलसरी है कि साइन करना ही पड़े? मान लीजिए राष्ट्रपति को पसंद ही नहीं आ रहा कि यार क्या भेज दिया ये मेरे पास, क्या है ये, मेरे को तो पसंद नहीं आ रहा ये, तो राष्ट्रपति मना भी तो कर सकता है ना कि मैं क्यों साइन करूं भाई इसके ऊपर, मैं नहीं साइन करने वाला हूं। तो राष्ट्रपति या तो उसके ऊपर साइन कर देगा, ठीक है जी, या मना कर देगा कि मैं नहीं करता साइन, भाड़ में जाओ, या फिर उसको बोला कि चलो ठीक है कर दूंगा, बाद में कर दूंगा साइन, अभी मैं बहुत बिजी हूँ। तो इसे विटो पावर कहा जाता है, ठीक है, जिसको विटो पावर बोलते हैं, अलग अलग तरह की विटो पावर होती है, तो वो 2-3 मैं आपको नाम लिखवाती हूँ, आप लिखेगा विटो पावर। हाँ जी, विटो को विटो ही कहा जाता है, विटो को विटो ही कहा जाता है, ठीक है, वी हिंदी में भी आपने ऐसे लिखना है इसको, ठीक है, विटो पावर, विटो पावर। सबसे पहले है आपके पास एब्सोल्यूट विटो, एब्सोल्यूट विटो, पहली पावर आपके पास आएगी एब्सोल्यूट विटो, ठीक है जी, पूर्ण विटो जिसे कहा जाएगा, पूर्ण विटो। आपने याद रखना है एब्सोल्यूटली नो, ठीक है, एब्सोल्यूटली का मतलब क्या हुआ कि हरगिज मैं इसको साइन नहीं करूंगी। तो जब राष्ट्रपति जी के पास ये कोई भी बिल आया और राष्ट्रपति जी ने उसको खारिज कर दिया, साइन करने से मना कर दिया, और बोला कि भाई मैं साइन नहीं करता, तो राष्ट्रपति के साइन के बिना तो वो पास हो ही नहीं सकता है ना, वो बिल वहीं पे खत्म हो गया, उसे कहा जाता है एब्सोल्यूट वेटो, ठीक है। राष्ट्रपति ने जब साफ साफ मना कर दिया साइन करने से और बोला कि मैं साइन नहीं करूंगा, तो वो बिल खत्म हुआ, उसे कहा जाएगा एब्सोल्यूट वेटो, ठीक है। उससे हम आगे चल, एब्सोल्यूट वीटो मतलब पूर्ण वीटो, ठीक है। आगे आपके पास सस्पेंसिव वीटो, सस्पेंसिव वीटो, सस्पेंसिव वीटो को हिंदी में मैं एक बार चेक करती हूँ, सस्पेंसिव वीटो है निलंबनकारी, हाँ जी निलंबनकारी, निलंबनकारी
वीटो, सस्पेंसिव वीटो कहा जाता है, निलंबनकारी वीटो। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए ये बिल था, ये बिल पास हो गया है मेरे पास, मैं राष्ट्रपति हूँ इस टाइम पे। मैंने इस बिल को पढ़ा और मेरे को लगा कि चलो बाकी तो सब कुछ ठीक है इसमें, पर जो ये लास्ट वाले दो तीन क्लॉज डाले ना, ये मेरे को पसंद नहीं आ रहा है। मैं बोल कि क्या है भाई, बाकी सब कुछ ठीक है, दो तीन चीज़ें चेंज करो। अब मैं मना नहीं कर रही हूँ कि मैं इसके ऊपर साइन करूँगी, ठीक है। फिर मैंने क्या किया कि मैंने इस बिल को वापस भेजा आपके पास कि भाई बाकी तो ठीक है, इसको एक बार दोबारा चेक कर लो जरा, कुछ चेंज आप अगर कर सकते हैं। फिर ये बिल मैंने आपको वापस भेज दिया। लोकसभा राज्यसभा में जब बिल को वापस भेजा जाता है रिकंसिडरेशन के लिए, फिर आप इस बिल को मेरे को वापस दे देंगे बाद में कि भाई साइन करना है तो करो चुपचाप। इसे कहा जाता है सस्पेंसिव वीटो। जब बिल को एक बार दोबारा से चेक करने के लिए, मतलब रिकंसिडरेशन के लिए वापस भेजते हैं लोकसभा राज्यसभा में, इसे जो है वो सस्पेंसिव वीटो कहा जाता है, ठीक है जी। आगे है आपके पास पॉकेट वीटो। पॉकेट वीटो को हिंदी में पॉकेट वीटो ही बोलेंगे आप, ठीक है जी। पॉकेट वीटो, पॉकेट का मतलब क्या होता है, जेब, है ना। पॉकेट्स आपके पैंट में, शर्ट में, जैकेट्स में पॉकेट होती हैं, वही इसका मतलब है पॉकेट वीटो। पॉकेट वीटो का मतलब क्या हुआ, आप जो है इस तरह से बड़ी अपनी अर्जी लेके आए, बिल लेके कि जी साइन कर दो राष्ट्रपति जी। राष्ट्रपति ने बोला कि हाँ हाँ साइन करता हूँ। ये बिल लिया, ऐसे को फोल्ड किया और रख दिया जेब में कि अभी तो मैं बिजी हूँ भाई, जब मेरे को टाइम मिलेगा ना मैं चेक कर दूंगी इसको, ठीक है जी। दो दिन हो गए कि हाँ हाँ टाइम मिलेगा तो चेक कर दूंगी, पॉकेट में रखा हुआ ये। अब इस काम को तो मैंने ना हाँ किया है, मतलब मैं साइन तो कर ही रही हूँ ना, और ना ही मैंने मना किया कि मैं साइन नहीं करूंगी, मतलब एक तरह से स्टे पे इसको रख दिया कि हाँ ठीक है मैं देख लूंगी। तो आपने जब बिल को रख दिया साइड में कि चल ठीक है, ना आप ओके कर रहे हैं ना ही आप मना कर रहे हैं, आपने बस जेब में डाल कर रख दिया कि मैं कर लूंगी कभी चेक भाई इस बिल को, टेंशन नहीं लेनी आपने, तो उसे कहा जाता है पॉकेट वीटो। बस ना वो बिल पास हुआ ना वो बिल फेल हुआ, तो ये पॉकेट वीटो है। तो आपने तीन वीटोस के यहाँ पे नाम रखने हैं याद, क्योंकि राष्ट्रपति के पास भी ये तीन पावर है, गवर्नर के पास भी आपको ये पॉकेट वीटो मिलेगी। गवर्नर के पास थोड़ी ज्यादा होती है, ठीक है, बट नाम यही है। तो आपको, आपसे क्वेश्चन कैसे पूछेंगे कि जब राष्ट्रपति किसी भी बिल को रिकंसिडरेशन के लिए वापस भेजता है, एक बार दोबारा चेक करने के लिए वापस पार्लियामेंट में भेजेगा, तो राष्ट्रपति ने अपनी कौन सी वीटो पावर का यूज यहाँ पे किया है। आपके पास ये ऑप्शन में आ जाएंगे, एब्सोल्यूट, सस्पेंसिव, पॉकेट, ठीक है जी। आपको इसका आंसर पता होना चाहिए। तो बताइए कौन सी वीटो पावर यूज की यहाँ पे राष्ट्रपति ने जब उन्होंने रिकंसिडरेशन के लिए वापस भेजा, तो कौन सी वीटो पावर का यूज किया गया। मनीषा जी ठीक है, हाँ जी सही आंसर है, ओके बिल्कुल जी, सस्पेंसिव वीटो, बिल्कुल सही आंसर, सभी का आंसर ठीक है। सस्पेंसिव वीटो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिले। और अब हम जो है एक क्वेश्चन अगला जो पढ़ेंगे वो बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको वहां से बहुत बार क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा, चाहे पुलिस है, पटवारी है आपके पास, जो भी ये आएंगे उसमें। भूपेंद्र जी गुड इवनिंग, आज आप लेट हैं। ओ हाँ सॉरी सॉरी, ठीक है मैंने गलत पढ़ा, मनीष जी सॉरी, यस ठीक है, हाँ जी चलिए। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और अगला जो क्वेश्चन है आपके पास वो क्वेश्चन आएगा पार्डन पावर का, ठीक है जी। माफी की जो पावर है वो, अब माफी की जो पावर है वो अलग अलग तरह की प्रेसिडेंट के पास पावर है, और ये जो टर्म्स इसमें हम दो चार पढ़ेंगे ना वहां से आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिलता है, बहुत बार क्वेश्चन आया है इसलिए आपने समझना है इसको। अच्छा जी काम कर रहे थे आप, कोई बात नहीं, काम भी जरूरी है। चलिए ठीक है, आजकल क्या चला है आपके बगीचे में काम, अभी तो ठंड हो गई है इस टाइम, प्रूनिंग, प्रूनिंग का टाइम है ये। हाँ जी आप लिखें पार्डन पावर, पार्डन पावर, पार्डन पावर, पार्डन कहा जाता है माफी को, ठीक है जी, पार्डन कहा जाएगा माफी। तो राष्ट्रपति के पास आर्टिकल 72, राष्ट्रपति के पास आर्टिकल
72 के तहत जो है वो पार्डन पावर है। अच्छा जी ठीक है, तौलिए कर रहे हैं आप आजकल, चलिए बहुत बढ़िया है। तो फिर जब आपके सेब लगेंगे ना तो एक पेटी इधर भी आनी चाहिए, फिर सोलन भेज देनी है आपने। मैं ले लूंगी बस से कहीं से भी, जिसमें भी आप भेजेंगे। ठीक है जी, तो देखो कुछ इस तरह से जो है एक एक पेटी मैं सबसे लेती रहूंगी, मांगती रहूंगी, ये एक पेटी भेज दो भाई। चलिए आ जाइए। तो पार्डन पावर आर्टिकल 72, ओके, पार्डन पावर आर्टिकल 72। पार्डन पावर का मतलब क्या हुआ कि आपने किसी ने भी मतलब कोई क्राइम किया, उसको डाल दिया जेल में। अब जेल में जब डाल दिया, सुप्रीम कोर्ट ने मान लीजिए आपको जजमेंट दी है, तो सुप्रीम कोर्ट के बाद भी आप जा सकते हैं राष्ट्रपति के पास, और राष्ट्रपति जी से आप अपनी जो है वो माफी मांग सकते हैं, खत्म भी कर सकते हैं, ठीक है जी, और थोड़ा चेंज भी कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको अलग अलग शब्द यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे। तो सबसे पहले आप ध्यान देंगे यहाँ पे पार्डन। पार्डन का मतलब होगा कि जब आपकी जो सजा है उसको कंप्लीटली खत्म कर दिया गया है, सजा को जब कंप्लीटली खत्म कर दिया जाएगा, आपको जो है मान लीजिए 10 साल की सजा मिली है, राष्ट्रपति जी बोलेंगे कि यार ये तो बहुत ही प्यारा सा बच्चा है ना, इसको क्या सजा देनी, इसको छोड़ो, रिहा कर दो, आपकी सजा एकदम खत्म हो गई, जीरो, तो फिर उसे कहा जाता है पार्डन। आपकी सजा को बिल्कुल जीरो भी कर सकते हैं राष्ट्रपति, ठीक है जी। तो पार्डन आपने वहां पे याद रखना है। यहां से आगे है आपके पास रीप्राइव। रीप्राइव को कहा जाता है इसमें प्रविलंबन, ठीक है जी, प्रविलंबन। इसका मतलब होता है, एक ही वर्ड में आपको समझा रही हूं मैं, स्टे लगा देना, ठीक है, प्रविलंबन। प्रविलंबन आप याद रखेंगे, मान लीजिए किसी व्यक्ति को फांसी लगने वाली है, ठीक है जी, कि भाई परसों आपको फांसी दी जाएगी। अब बंदे का तो दिल बैठ जाएगा कि हाय परसों फांसी है, फिर वो राष्ट्रपति जी को बोलेगा कि राष्ट्रपति जी अभी नहीं, मैं मरना चाहता हूँ, ठीक है, मैं चाहता हूँ कि भाई मैं अभी दशहरा देख के जाऊं, मेरी आखिरी इच्छा ये है कि मैंने दिवाली मनानी है, दशहरा मनाना, कुछ भी है। तो राष्ट्रपति बोलेंगे चलो ठीक है, इनकी फांसी को थोड़ा पोस्टपोन करते हैं, आपकी जो सजा थी उसके ऊपर स्टे लगा दिया, उसको कुछ टाइम के लिए रोका गया, खत्म नहीं हुई वो सजा आपकी, बट सजा को जब रोकेंगे कुछ टाइम के लिए, जब उसको स्टे लगा देंगे उसके ऊपर, तो ये पावर राष्ट्रपति के पास है, इसे कहा जाता है रीप्राइव या फिर प्रविलंबन। हाँ जी, तो ये आपने याद रखना है, प्रविलंबन में विलंब आ रहा है ना आपके पास, विलंब। विलंब का मतलब क्या होता है, देरी कर देना, थोड़ा देरी से देंगे कि इनको फांसी, अभी मत फांसी दो आप, तो थोड़ा सा विलंब करके जो है वो सजा सुनाई जाएगी। जब स्टे लगा दिया उसके ऊपर, उसे कहा जाएगा रीप्राइव, ठीक है। आगे है आपके पास रिमिशन। रिमिशन इसे कहा जाता है परिहार, ठीक है। रिमिशन का मतलब हुआ परिहार, रिमिशन का मतलब हुआ परिहार। इसे क्या, इसको मतलब क्या हुआ, आपको जो है विकास जी कितने टाइम की स्टे लग सकती है कुछ भी मेंशन नहीं है, राष्ट्रपति पे डिपेंड है, चाहे वो 2 घंटे की हो, चाहे वो 2 दिन की हो, चाहे वो 2 हफ्ते की हो, तो स्टे का टाइम पीरियड कुछ भी मेंशन नहीं है यहाँ पे, ठीक है जी। जितने मर्जी टाइम की, राष्ट्रपति पे डिपेंड है वो कितने टाइम की उनको स्टे लगानी है। रिमिशन का मतलब क्या हुआ, परिहार हमने इसको बोल दिया, आपको जो है 10 साल की मान लीजिए जो है वो रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट हुई है, या आपको काले पानी सजा हुई है मान के चलते हैं, ठीक है जी, कठोर कारावास लिख रही हूँ यहाँ पे मैं, कठोर कारावास, आपको जो है वो 10 सालों का, आपको नहीं, किसी भी व्यक्ति को, हम थर्ड पर्सन मान के चलते हैं, किसी भी व्यक्ति को जो है वो कठोर कारावास की जो है वो 10 साल की सजा हुई है ना, कठोर कारावास हुआ है उनको 10 साल का। तो फिर वो राष्ट्रपति को बोला कि नहीं नहीं 10 साल तो बहुत है, मैं क्या करना 10 साल यहाँ रह के, तो राष्ट्रपति बोलेंगे चलो कोई बात नहीं, इनकी सजा को आप कर दीजिए 7 साल। तो आप देखिए टाइम पीरियड को रिड्यूस किया गया यहाँ पे, ठीक है जी, पहले 10 थी, राष्ट्रपति की मर्जी है जितना मर्जी वो कम करना चाहे, तो राष्ट्रपति ने 7 साल सजा कर दी, बट सजा का जो नेचर है वो चेंज नहीं किया है, मतलब कठोर कारावास है तो कठोर कारावास ही है,
चक्की पीसनी पड़ेगी, पत्थर तोड़ने पड़ेंगे, ऐसा ही काम करना पड़ेगा आपको, ठीक है जी। सदा का नेचर चेंज नहीं किया है उन्होंने और आपका टाइम पीरियड कम कर दिया है, उसे कहा जाता है रिमिशन, ठीक है जी, इसको रिमिशन बोलेंगे। आगे है रिस्पाइट। हाँ जी, रिस्पाइट, रिस्पाइट बोलते हैं विराम को, रिस्पाइट आप बोलेंगे विराम। हाँ जी, रिस्पाइट कहेंगे विराम को। स्पेशल केसेस में, स्पेशल केसेस में जब सजा को कम कर देंगे, सजा को जब रिड्यूस कर लिया जाता है तो उसे रिस्पाइट कहा जाता है। स्पेशल केसेस में जब सजा को रिड्यूस कर दिया जाएगा वो आपके पास ये रिस्पाइट कहलाएगा, ठीक है जी। विराम का, विराम दिया जाएगा थोड़ा सा, है ना, विराम से आराम याद रखना आपने। स्पेशल केस का मतलब क्या हुआ, जैसे मान लीजिए कोई एक महिला है और उन्होंने मर्डर कर दिया कोई, ठीक है, मर्डर कर दिया, मर्डर करके उनको डाल दिया जेल में। अब मान लीजिए वो प्रेग्नेंट थी उस टाइम पे ना, फर्स्ट है सेकेंड मंथ वो प्रेग्नेंट थी, जब उनको उन्होंने मर्डर किया, उनको जेल में डाल दिया, जो भी उनको सजा दी गई। तो अब एक प्रेग्नेंट लेडी जो है उनको कठोर कारावास अगर दिया जाएगा तो कैसे काम चलेगा, क्योंकि वो तो प्रेग्नेंट है, सजा तो ठीक है लेकिन आपको जो है वो थोड़ी वो ह्यूमैनिटी भी दिखानी है वहाँ पे, कि एक प्रेग्नेंट लेडी जो है उनको मतलब जो जो फैसिलिटीज उनको चाहिए वो उनको मिलनी चाहिए उस टाइम पीरियड पे। तो ऐसे ही स्पेशल केस हो गए यहाँ पे, है ना। तो अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी है तो उनकी सजा को जो है फिर वो कम कर दिया जाएगा, ये स्पेशल केस हुआ। कोई व्यक्ति है वो विकलांग है, ठीक है जी, तो फिर मतलब दिव्यांग है किसी भी तरह से, तो उनकी सजा को फिर कम किया जाएगा। तो स्पेशल केसेस में जब सजा को कम करते हैं तो उसे कहा जाता है रिस्पाइट, ठीक है जी, रिस्पाइट। तो रिस्पाइट आपने याद रखना है। और लास्ट आपके पास है कॉम्यूटेशन, ठीक है जी, लास्ट हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे, यहाँ कॉम्यूटेशन। कॉम्यूटेशन, कॉम्यूटेशन, कॉम्यूटेशन का मतलब होता है जब आपकी सजा को कम किया जाएगा, ठीक है जी, वो हुआ कॉम्यूटेशन। पहले आपको बहुत ही कठोर दंड दिया गया था कोई, ठीक है जी, कठोर दंड था कोई बहुत तगड़े वाला, इसको कम करके जो है, ठीक है जी, इसको कम करके ठीक है, आपको समझ आ रहा है अंजू जी, बहुत है सोलन से, ठीक है जी, मैं सोलन से हूँ सोलन से है जी, ठीक है। चलिए, तो फिर कठोर दंड है कोई बहुत ज्यादा, इस कठोर कारावास को चेंज कर दिया गया, ठीक है जी, बहुत ही फ्लेक्सिबल सी कोई सजा है, बहुत ही कि बोला कि चलो इनको कठोर कारावास नहीं देना भाई, थोड़ा आराम वाला दे दो कुछ। तो सजा को जो है वो कम कर दिया गया है और बहुत थोड़ी सी आपको जो है वो रिलैक्स का कोई दंड दिया गया, कि चलो आप बुक में बुक वगैरह पढ़ लो, आप बस जेल में रहो आराम से, खाना वाना बना देना आपने, कुछ ऐसा ऐसा, तो वो होगा आपके पास कॉम्यूटेशन, ठीक है जी, कॉम्यूटेशन। अब देखिए इन दो चीजों में फर्क है, एक कॉम्यूटेशन है और एक है रिमिशन। सजा को यहां भी कम किया गया है, सजा को यहां भी कम किया गया है, ठीक है जी, सजा को यहां भी कम किया गया है और यहां पे भी। हाँ जी, लेकिन यहाँ पे जो है वो आपका सजा का जो नेचर है वो चेंज नहीं हुआ है। अगर कठोर कारावास है तो कठोर ही कारावास है, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि अगर बहुत हार्श पनिशमेंट आपको मिली है, कोई कठोर कारावास है, उसको थोड़ा फ्लेक्सिबल वहां पे चेंज कर देंगे, बोलेंगे चल ठीक है, काले पानी सजा नहीं इनको दो भाई, इनको आराम से बिठा के पढ़ाओ लिखाओ, इनको कुछ सिलाई वगैरह सिखाओ, कोई काम करना चाहते हैं वो सीख सकते हैं। जब सजा मिलती है तो सबको सेम थोड़ा भी होती है, कुछ ऐसे होते हैं जिनको पत्थर तोड़ने का काम लगा रखते हैं, चक्की पीसने का काम लगा है, कुछ ऐसे हैं कि जेल के अंदर आप पढ़ सकते हैं, आप एग्जाम दे सकते हैं, आप कुछ सीखना चाहें, कपड़े सिलना कुछ भी और काम जो सिखा सकते हैं वो सिखाते हैं जेल के अंदर भी, है ना, तो वो चीजें हैं। तो आपने ये ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन यहाँ से बहुत चांसेस होते हैं आने के, और ये गलत करते हैं क्वेश्चन, गलत यहाँ से क्वेश्चन हो जाता है। आपको कैसे बोलते हैं कि स्पेशल केसेस में जब सजा को कम किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, तो उस पावर को क्या कहा जाता है, तो स्पेशल केसेस में जब सजा को कम करेंगे, हाँ जी, तो उसको बोलेंगे रिस्पाइट। यही आपके पास ऐसे चार ऑप्शन आ जाएंगे,
यही चार ऑप्शन आपके पास आ जाएंगे। ये थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे आपको थोड़ी मेहनत की जरूरत पड़ेगी इधर याद करने के लिए, आपने ध्यान रखना है ना। रिस्पाइट है स्पेशल केसेस में, स्टे लगा देना, स्टे जब टेम्पररी स्टे लगता है आपकी सजा के ऊपर तो वो होगा रिप्राइव, ठीक है जी, रिप्राइव। और कॉम्यूटेशन, कॉम्यूटेशन का मतलब हुआ सजा को कम कर दिया, हाँ जी ठीक है। तो ये चीज को आप अच्छे से ध्यान रखेंगे, इसको आप याद रखेंगे, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ये देखने के लिए मिलेगा। चलिए जी ओके है, तो हम आगे बढ़ेंगे यहाँ से। कल सुनूंगी आपसे मैं ये, क्योंकि यहाँ पे याद करने वाली चीज है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, और हमारे पास अब जो है वो कुछ चीजें रही हैं, जैसे कि जो राष्ट्रपति जी हैं, हाँ जी क्लासेस जो है वो डेली 6 बजे होती हैं, डेली 6 बजे है जी, स्पेशल केसेस में सजा नहीं, नहीं बिल्कुल भी नहीं। मान लीजिए कोई स्पेशल केस है ना, कोई भी सजा हो गई आपको, ठीक है, कोई भी सजा हो जाती है और कोई स्पेशल केस फिर आता है तो फिर राष्ट्रपति जी सजा को कम कर देंगे। मान लीजिए कोई, जैसे हमने लेडी का एग्जांपल लिया, उन्होंने कोई क्राइम किया, उनको जेल में डाल दिया। अब जेल के अंदर पता चलता है कि वो लेडी जो है वो प्रेग्नेंट थी, ठीक है। मान लीजिए कई बार होता है ना कि सेकेंड मंथ में या थर्ड मंथ में पता चलता है प्रेगनेंसी का, तो फिर तब पता चला सजा हो चुकी है तो फिर राष्ट्रपति जी उसको कम कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह के केसेस वो हो सकते हैं जब राष्ट्रपति जी कम करेंगे। और एक और चीज आपने और ध्यान रखनी है, जो ये पार्डन पावर आपने पढ़ी, माफ करने की जो पावर है, ये दो लोगों के पास है, एक तो प्रेसिडेंट है हमारे पास और एक है गवर्नर, हाँ जी गवर्नर, प्रेसिडेंट और गवर्नर दोनों ही लोगों के पास पार्डन पावर है, माफ करने की जो पावर है। लेकिन बड़े कौन है इसमें से, राष्ट्रपति जी। राष्ट्रपति की जो पोस्ट है वो बड़ी पोस्ट है, गवर्नर की पोस्ट छोटी है कंपैरेटिवली, तो जो ज्यादा पावर है वो राष्ट्रपति के पास होनी चाहिए, ठीक है जी। तो ऐसे दो चीजें हैं, ऐसे दो जगहें हैं जहां पे सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति के पास ही पार्डन पावर होती है, गवर्नर के पास पार्डन पावर नहीं होती है। तो वो कौन सी पावर है, कौन सी जगहें हैं, दो केसेस, एक है आपके पास मृत्युदंड, ठीक है जी, मृत्युदंड। किसी को अगर डेथ पेनल्टी मिली है, डेथ पेनल्टी का मतलब हुआ मृत्यु दंड, किसी व्यक्ति को अगर मृत्यु दंड दिया गया है तो फिर वो माफी मांगने के लिए कि मेरी सजा को माफ कर दो जी, वो गवर्नर के पास नहीं जाएगा, वो सिर्फ राष्ट्रपति के पास ही जाएगा। राष्ट्रपति जी ही इस केस में कुछ कर सकते हैं, मृत्यु दंड के केस में सजा कम करनी है, नेचर चेंज करना है, तो वो गवर्नर के पास भी पावर है, लेकिन मृत्यु दंड वाला केस हो जाएगा। और दूसरा केस है कोर्ट मार्शल, ठीक है जी, कोर्ट मार्शल वाला, अगर किसी व्यक्ति का जो है वो कोर्ट मार्शल हुआ है तो इस केस में भी सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति के ही पास पावर है कि उनकी सजा को वो कम कर सकते हैं, गवर्नर के पास पावर नहीं है, ठीक है जी। कोर्ट मार्शल क्या होता है, जो आर्मी वाले होते हैं ना, डिफेंस फोर्सेस में जो है आर्मी वाले, उनके लिए जो है वो आर्मी वालों के ही रूल चलते हैं। उन्होंने कुछ भी गलत किया है, उनसे कुछ भी उल्टा सीधा काम हो गया तो उनका सीधा कोर्ट मार्शल होता है, आर्मी के नियम के अकॉर्डिंग इनको सजा मिलती है, पेनल्टी मिलती है, ठीक है, उसमें कोर्ट्स वगैरह कुछ नहीं कर सकते हैं। तो किसी व्यक्ति को अगर कोर्ट मार्शल हुआ है उसका, आर्मी के थ्रू उनको सजा वगैरह मिली है, तो फिर वो कहाँ जाएंगे, वो सिर्फ और सिर्फ कहाँ जा सकते हैं, राष्ट्रपति के पास जाएंगे, वो गवर्नर के पास नहीं जा सकते हैं। तो ये दो स्पेशल केसेस हैं जो आपको राष्ट्रपति के लिए ही, राष्ट्रपति के पास ही इनकी पावर है, गवर्नर के पास इसकी पावर नहीं आपको मिलेगी, ठीक है। तो बस ये सारे पॉइंट हमारा प्रेसिडेंट जो है वो कंप्लीट होता है। बस अब हमने क्या पढ़ना है, प्रेसिडेंट के जो फैक्चुअल क्वेश्चन है वो हमको कवर करने हैं, जैसे कि भारत के पहले जो प्रेसिडेंट थे, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे, ठीक है जी। चलिए फटाफट से लिखेंगे आप, भारत के पहले राष्ट्रपति जो है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ठीक है जी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है वो आपको फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया देखने के लिए मिलेंगे, हाँ जी ठीक है। दूसरा सवाल आपके पास कि इकलौते राष्ट्रपति भारत के जो दो बार राष्ट्रपति बने हैं, हाँ जी दो बार राष्ट्रपति बने हैं, वो कौन से राष्ट्रपति हैं भारत के जिन्होंने दो बार राष्ट्रपति बने, ठीक है जी, टू टाइम्स, एक ही वो राष्ट्रपति हैं, उनका नाम है राजेंद्र प्रसाद, इनका नाम है जी राजेंद्र प्रसाद,
52 से 62 तक, दो बार ये जो है वो राष्ट्रपति रहे थे, तो राष्ट्रपति जी यही रहे हैं। भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? ठीक है जी, भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन। ठीक है जी, डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन पहले मुस्लिम राष्ट्रपति, भारत के पहले अनअपोज्ड चुने जाने वाले राष्ट्रपति। ठीक है जी, भारत के पहले अनअपोज्ड चुने जाने वाले राष्ट्रपति, उनका नाम है नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी, ठीक है जी, इनका नाम आएगा नीलम संजीव रेड्डी। अनअपोस्ट आपको जो प्रेसिडेंट मिलेंगे इनका नाम है नीलम संजीव रेड्डी। अनअपोस्ट का मतलब, ठीक है जी, मतलब ये हुआ कि जब इलेक्शन में कंपटीशन क्या होता है, जब दो लोग खड़े हैं, तीन लोग खड़े हैं इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए, तब कोई उसमें से एक जीतता है। मान लीजिए राष्ट्रपति का इलेक्शन होता है और मैं अकेली खड़ी हुई, कोई और साथ में खड़ा ही नहीं है, तो मेरा कॉम्पिटिशन किसके साथ हुआ? मैं तो अकेली हूँ, मैं ही जीत जाऊंगी। ठीक है, क्लास में एक ही बच्चा है, वही बच्चा फर्स्ट आएगा, तो फिर वो हुआ आपके पास। हाँ जी, अनअपोस्ट का मतलब हो कि कोई और था ही नहीं, है ना, तो उन बस जो इलेक्शन में खड़ा हुआ उनके अगेंस्ट कोई भी नहीं था और वही बन जाते हैं यहाँ पे राष्ट्रपति। तो अनअपोस्ट प्रेसिडेंट हमारे आ जाएंगे नीलम संजीव रेड्डी। तो नीलम संजीव रेड्डी का नाम याद रखेंगे। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति, हाँ जी, पहली महिला राष्ट्रपति, इनका नाम आएगा आपके पास प्रतिभा। ठीक है जी, प्रतिभा पाटिल, प्रतिभा पाटिल, प्रतिभा पाटिल याद रखना आपने। पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? प्रतिभा पाटिल पहली महिला राष्ट्रपति थी। हाँ जी बिल्कुल, वो राष्ट्रपति जिनकी उनके कार्यकाल में मृत्यु हो जाती है। ठीक है जी, उनके कार्यकाल में, मतलब जब वो राष्ट्रपति की पोजीशन पे थे तब उनकी जो है वो मृत्यु हो गई थी। तो ऐसे आपको दो राष्ट्रपति भारत के मिल जाएंगे जिनके उनके कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो गई थी। तो वो कौन आएंगे? वो आएंगे आपके पास एक तो जाकिर हुसैन, जाकिर हुसैन, और एक है फखरुद्दीन। ठीक है जी, आपके पास फखरुद्दीन अली अहमद, फखरुद्दीन अली अहमद, फखरुद्दीन अली अहमद। तो ये दो लोग हैं, जाकिर हुसैन और फखरुद्दीन अली अहमद, ये दो लोग ऐसे हैं जिनकी उनके कार्यकाल में ही मृत्यु हो गई थी। एंड एट प्रेजेंट हमारे प्रेसिडेंट कौन है बताइए? हाँ जी, एट प्रेजेंट हमारे प्रेसिडेंट कौन है? तो आपको भारत के राष्ट्रपति का नाम बताना है कौन आएगी। हाँ जी ठीक है, सही आंसर है द्रौपदी मुर्मू, बिल्कुल सही है जी। द्रौपदी मुर्मू, द्रौपदी मुर्मू, हाँ जी बिल्कुल ठीक है। चलिए जी, द्रौपदी मुर्मू जी भारत के अभी राष्ट्रपति हैं, आप सभी को ये पता है। अब आप जो है तीन पॉइंट लिखेंगे यहाँ पे, तीनों पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं, तीन अलग से क्वेश्चन आ जाएंगे वो। सबसे पहला क्वेश्चन जो है, भारत का जो ध्वज है, जो तिरंगा है, उसे कब अपनाया गया था? ठीक है जी, जो ध्वज है हमारा, नेशनल फ्लैग जो है, नेशनल फ्लैग, नेशनल फ्लैग हमारा है जी तिरंगा, तिरंगे को जो है वो कब अपनाया गया था? 22 जुलाई 1947। हाँ जी, पूरी डेट याद रखनी है आपने। तो फ्लैग को कब जो है वो हमने, तिरंगे, तिरंगे को हमने कब राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाया? इसका सही आंसर आएगा 22 जुलाई 1947। ठीक है, तिरंगा आपको पता है, ट्राइकलर्स आएंगे आपके पास 22 जुलाई 47, यस, तो तिरंगा आपके पास आ जाएगा। हाँ जी, कलर आपको पता है सैफ्रन व्हाइट एंड ग्रीन कलर है। जो हमारा तिरंगा है, तिरंगा जो है वो किसने डिजाइन किया था? हाँ जी, भारत का राष्ट्रीय ध्वज जो तिरंगा है वो किसने डिजाइन किया था? ये क्वेश्चन पूछते हैं वैसे ही। हाँ जी, तिरंगा किसने डिजाइन किया था? तिरंगा किसने डिजाइन किया था?
पिंगली वेंकैया ने, ठीक है जी, किसने डिजाइन किया था? पिंगली वेंकैया, आपने याद रखना है, पिंगली वेंकैया, बिल्कुल ठीक है जी आंसर, पिंगली वेंकैया ने डिजाइन किया था हमारा जो तिरंगा है। आपसे पूछते हैं कि जो तिरंगा है किस रेशो में आपको तिरंगा देखने के लिए मिलेगा, तो तिरंगा किस रेशो में आता है हमारे पास, ये है जी आपके पास 3/2 का रेशो, लंबाई गुना चौड़ाई, तो कितनी लंबाई चौड़ाई होती है, तो 3:2, ठीक है जी, लंबाई गुना चौड़ाई। अब कहीं कहीं पे जो है आपको 2:3 भी मिल जाएगा, मतलब चौड़ाई गुना लंबाई पूछ लेंगे वहां पे, हाँ जी 3:2 के रेशो में आपको मिल जाएगा, है ना, 2:3 है लिखा हुआ, मतलब चौड़ाई गुना लंबाई पूछा गया है, बिल्कुल जी। आगे है जो नेशनल एंथम है हमारा, राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय गान नेशनल एंथम जो है जनगणमन, ठीक है जी, जनगणमन के बारे में हम और भी चीजें पढ़ेंगे, तो जनगणमन राष्ट्रीय गान जो है इसे कब अपनाया गया था, नेशनल एंथम को, ठीक है जी, कब अपनाया गया, तो ये डेट आपसे पूछी जाती है, हाँ जी जनगणमन, ठीक है जी, अंजलि जी का आंसर आ चुका है, जनगणमन नेशनल एंथम, हाँ जी नेशनल एंथम जनगणमन, और एक है आपके पास राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय गीत हमारा है वंदे मातरम, ठीक है, आप सभी सभी लोग यही आंसर दे रहे हैं, थोड़ा सा गलत है, थोड़ा सा गलत आंसर है, क्योंकि 22 जनवरी नहीं है, अच्छा जी आपका भी आंसर यही आ गया, नहीं आपने तो डाउट में डाल दिया, 24 जनवरी, ठीक है जी 22 जनवरी नहीं आएगा, 24 जनवरी है, 24 जनवरी 1950, 1950, 24 जनवरी 1950, ठीक है जी 22 जनवरी नहीं आएगा, 24 जनवरी 1950, बिल्कुल ठीक है जी, बिल्कुल सही है, 24, ठीक है जी 24 याद रखेंगे आप, सभी को 22 याद रहा, 22 जनवरी मैं बताती हूँ कौन सा याद है आपको, 22 जनवरी आपको याद आ रहा है ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को उस दिन जो है वो संविधान सभा ने अपनाया था, तो कई बार ये डेट्स जो है वो मिक्स हो जाती है हमारे माइंड में, तो आपने ध्यान रखना है कि जो राष्ट्रीय गान है जो जनगण मन है उसे भी 24 जनवरी 50 को अपनाया गया था, 22 जनवरी 50 नेशनल सॉन्ग, और सॉन्ग को भी, सॉन्ग नहीं जी बिल्कुल भी, राष्ट्रीय गीत भी 24 जनवरी 50 को ही अपनाया गया, दोनों की सेम डेट है, ठीक है दोनों की सेम डेट है, 22 जून नहीं है जी, 22 जून नहीं है, 25 जनवरी 1950 बिल्कुल भी नहीं है जी, है ना 25 जनवरी नहीं है, क्योंकि हम लोग 22 जनवरी 24 जनवरी 25 जनवरी बहुत बारी डेट्स पढ़ते हैं तो कन्फ्यूज हो जाते हैं, इसीलिए आपने अलग लिखना है, 3-4 क्वेश्चन लिखेंगे हम अभी, आपने अलग से इनको लिखना है जहाँ पे कंफ्यूजन हो जाती है। नेशनल फ्लैग आपसे पूछते हैं, ये आएगा आपके पास 22 जुलाई 1947 में, राष्ट्रीय गीत राष्ट्रगान 24 जनवरी 1950 को इसको अपनाया गया था, साथ ही साथ हमारे देश के जो राष्ट्रपति थे पहले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, आपने पढ़े तो जो पहले राष्ट्रपति हमारे बने थे, पहले राष्ट्रपति जो हमारे बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वो भी किस दिन राष्ट्रपति बने थे, सेम डे 24 जनवरी 1950 को ही, 24 जनवरी 1950 को ही जो है वो राष्ट्रपति बन गए थे, तो आपने इन डेट्स को जो है वो अलग से लिख लेना है, ठीक है जी 24 जनवरी 1950, तो इस तरह से आप इन पॉइंट्स को अलग से लिख लेंगे, ओके इम्पॉर्टेंट है, इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हम गलत कर देते हैं यहाँ पे, बस यही पॉइंट्स आप जो है वो कल के लिए याद करके आएंगे, यहाँ से आगे हम जो है वो कल पढ़ेंगे, तो आपने इतने पॉइंट्स अच्छे से लर्न कर लेने हैं, कोई भी डाउट हो कोई भी क्वेश्चन हो आप लोगों ने कमेंट कर देना है, ठीक है जी, और वीडियोस को जो है आप शेयर कर देंगे ताकि सभी लोगों तक जो है ये लेक्चर्स पहुंच जाए जिन्हें ज़रूरत हो, ठीक है जी, हो सकता है नहीं पता हो तो फिर जिस जिसकी भी हेल्प पॉसिबल हो पाएगी आपने उनको भेज देना, सेम डेट है दोनों का, यस बिल्कुल सेम डेट है, हाँ जी सेम डेट है, ठीक है जी आप पढ़िए आराम से, हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, अभी आपकी इंग्लिश की क्लास होगी, ठीक है जी चलिए ओके बाय बाय।